नमस्कार दोस्तों, मदर्स यूट्यूब में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो हम स्टार्ट करते हैं आज एनसीईआरटी सीबीएसई साइंस का चैप्टर नंबर 7, जिसका नाम है गेटिंग टू नो प्लांट्स। तो हम प्लांट्स के बारे में जानेंगे। वैसे बहुत सिंपल सा चैप्टर है, तो भी इसके अंदर बहुत सारी कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं, कुछ टेक्निकल टर्म्स हैं जिनको हमको ध्यान रखने वाली बात है। और ये चैप्टर बाकी सब अदर चैप्टर्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी बेसिक चीज़ें हैं जो आपको समझने वाली बात है। क्योंकि आप अगर इसे समझ लेंगे तो आने वाले चैप्टर्स आपके लिए बहुत ईजी रहेंगे। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। गो आउटसाइड एंड ऑब्जर्व ऑल द प्लांट्स अराउंड यू। डू यू सी दैट सम प्लांट्स आर स्मॉल, सम वेरी बिग, वाइल सम आर जस्ट पैचेस ऑफ ग्रीन ऑन द सॉइल। सम हैव ग्रीन लीव्स वाइल सम अदर हैव रेडिश वंस। सम हैव ह्यूज रेड फ्लावर्स, सम हैव टाइनी ब्लू वंस, वाइल सम हैव नन। वी डू सी अ वेराइटी ऑफ प्लांट्स एग्जिस्टिंग ऑल अराउंड अस, नियर अवर होम्स, इन अवर स्कूल्स ग्राउंड, ऑन द वे टू द स्कूल, इन द पार्क एंड गार्डन्स, इजेंट इट? लेट अस गेट नो अबाउट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। दिस विल हेल्प द अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंट बिटवीन प्लांट्स एंड डिफरेंट काइंड्स। कैन यू लेबल देम? स्टेम, ब्रांच, रूट्स, लीफ, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स ऑफ द प्लांट शोन फिगर 7.1। कलर द पार्ट्स ऑफ द प्लांट। तो बेसिकली जो चैप्टर हमारा है गेटिंग टू नो अबाउट प्लांट्स, इसके अंदर बताया गया है कि हम जब बाहर जाते हैं तो हमें बहुत सारे पेड़ पौधे सब अलग अलग प्रकार के देखने, कोई बहुत बड़ा दिखता है, कोई बहुत छोटा दिखता है, इस प्रकार से अलग अलग हमको देखने को मिलते हैं। तो ये सब जो अलग अलग पेड़ पौधे हमको देखने को मिलते हैं, तो ये अलग अलग पेड़ पौधे ऐसे अलग अलग क्यों हैं, है ना? बेसिकली क्वेश्चन से आता है। फिर इसके अंदर क्या डिफरेंस है, फिर इसके अंदर जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो क्या, हमारा स्टेम, ब्रांच, रूट्स, लीफ, फ्लावर्स, फ्रूट्स ये होते हैं। तो इनके सबके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। इन सबका फंक्शन क्या है, इन सबका काम क्या है। यहाँ पे हमारे पास एक प्लांट का है स्ट्रक्चर, इसको लेबल करने के लिए बोल रहे हैं। सबसे नीचे हमारे पास क्या है, रूट्स है, ये हमारी क्या है, लीव्स है, इसके अंदर हमारी क्या है, ये फ्रूट है, सबसे ऊपर हमारा फ्लावर है, ये बीच में क्या है, स्टेम है। तो इस प्रकार से हमारी क्या है, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स ऑफ प्लांट है। तो सिंपल सी लेबलिंग है। आगे हम बात करें तो हर्ब्स, शर्ब्स एंड ट्रीज। बेसिकली हर्ब्स, शर्ब्स और ट्रीज, इन तीनों में बेसिक डिफरेंस क्या होता है। अगर हम बात करें सबसे बड़े तो हमारे हो जाते हैं ट्रीज। अगर हम शर्ब्स की बात करें तो होती है हमारी सिंपल से झाड़ियाँ, जिसको हम बोलते हैं, जिसका स्टेम यहाँ से होता है, इसमें अराइजिंग इस प्रकार से होता है ना, इसको हम बोलते हैं शर्ब्स। और हर्ब्स जो हमारी होती है, जिसको हम बोलते हैं सिंपल से पौधे, है ना? जैसे कि अभी हाल हमने जो देखा था, ये वाला क्या है, शर्ब है, हर्ब है हमारी। तो इसके अंदर सिंपल सिंपल से आपको लीव्स मिलने को मिलते हैं, छोटा सा पौधा होता है। अब इसके अंदर बेसिक डिफरेंस क्या होता है, जो स्टेम होता है इसका बहुत हार्ड होता है, इसका जो स्टेम होता है वीक होता है, और जो इसका स्टेम होता है बहुत ही ज़्यादा वीक होता है। इसका जो अराइजिंग होता है वो क्या होता है, स्टेम होता है, बाकी उसके अंदर क्या होती है, ब्रांचेस होती है। इसके अंदर क्या होती है, जहाँ पे मेन पार्ट होता है, बेस बेस से क्या होता है, इसके अंदर जितनी भी होती है ब्रांचेस अराइज होती है। और जो हमारे होता है सबसे वीक होता है, वो इसके अंदर क्या होती है, बहुत ज़्यादा कम, जैसे घास भी इसके अंदर आती है। तो देखिए हम देखते हैं इसके अंदर, देखते हैं क्या होता है। एक्टिविटी वन, लुक क्लोजली एट द स्टेम एंड ब्रांचेस ऑफ प्लांट मच स्मॉलर देन यू। प्लांट्स दैट आर अबाउट योर साइज एंड प्लांट्स विच आर मच टॉलर देन यू, सो अकॉर्डिंग टू साइज ऑल्सो इट इज डिफ्रेंशिएटेड। फील देयर स्टेम एंड ट्राई टू बेंड देम जेंटली टू सी इफ दे आर टेंडर और हार्ड। नाउ दिस इज द कैटेगरी यू हैव टू ऑब्जर्व, जस्ट लाइक टोमेटो, मैंगो, लेमन। तो अगर हम बात करें टोमेटो, तो टोमेटो हमारा क्या है, हर्ब है। मैंगो की बात करें तो हमारा ट्री है, और लेमन हमारा क्या है, शर्ब्स है, ठीक है ना? इसके अंदर अलग अलग पैरामीटर्स दे रखे हैं आपको, किस प्रकार आइडेंटिफाई करना, जैसे कि कलर के साथ ग्रीन है, टेंडर है, थिक है, हार्ड है ना? अब जो उसका जो अराइजेस में बोलते हैं ना, बेस कहाँ से, एट द बेस ऑफ स्टेम, उसका जो ब्रांचेस वो कहाँ से स्टार्ट हुई, फिर हायर अप ऑन द स्टेम, जो मैंगो जो ट्री है उसका कहाँ से बिल्कुल हायर ऊपर से होगा, ठीक है? टोमेटो तो उसमें है, और कैटेगरी ऑफ द प्लांट, ये हर्ब, ट्री और ये शर्ब। तो इस प्रकार से इनका अलग अलग मेथड, जैसे कि ये कलर ग्रीन, तो जो हमारा शर्ब्स होगा, सॉरी हर्ब होगा, हमारा कैसा होगा, ग्रीन कलर होगा। टेंडर होगा मतलब बहुत लचीला होगा, थिक नहीं है, हार्ड नहीं है। मैंगो की बात करें तो बहुत थिक है, बहुत हार्ड है, और लेमन की बात करें तो केवल क्या है, हार्ड है, थिक नहीं है ना? ये हार्ड है लेकिन थिक नहीं है, लेकिन पर ये क्या, हमारा थिक भी है और हार्ड भी। तो इस प्रकार डिफरेंशिएट हम इसको इजीली कर सकते हैं। टेक केयर दैट स्टेम डज नॉट ब्रेक, हग द टॉल प्लांट्स टू सी हाउ थिक द स्टेम्स आर। वी ऑल्सो नीड टू नोटिस फ्रॉम वेयर द ब्रांचेज ग्रो इन स्मॉल प्लांट्स क्लोज टू द ग्राउंड और हायर अप ऑन द स्टेम। वी विल नाउ ग्रुप ऑल द प्लांट्स वी ऑब्जर्व इन टेबल 7.1।
सम एग्जाम्पल्स आर शोन, यू कैन फील द कॉलम वन टू एंड थ्री फॉर मेनी मोर प्लांट्स, फील कॉलम फोर लेटर आफ्टर द स्टडिंग द सेक्शंस. बेस्ड ऑन दिस कैरेक्टरिस्टिक्स या कैरेक्टर्स, मोस्ट प्लांट्स कैन बी क्लासिफाइड इंटू थ्री कैटेगरीज, हर्ब, शर्ब्स एंड ट्रीज. एन एग्जाम्पल ऑफ ईच इज शोन इन 7.3. जैसा कि आपको मैंने बताया था, ये एग्जाम्पल है, ये हमारा हर्ब का एग्जाम्पल है, ये हमारा शर्ब का एग्जाम्पल है, ये हमारा ट्री का है. देखो बेसिकली आपको डिफरेंस दिख रहा होगा, इसका जो स्टेम है वो कैसा दिख रहा है, आपको बिल्कुल हार्ड और थिक दिख रहा है. इसका जो स्टेम वो कैसा हार्ड लेकिन बट थिक नहीं है, उसके पास तो स्टेम बहुत फ्लेक्सिबल है. ठीक, ये हमको ग्रीन कलर दिख रहा है पूरा थ्रू आउट द प्लांट, है ना, ये हमको ऊपर केवल उसमें ग्रीन दिख रहा है. तो दीज आर द बेसिक डिफरेंस बिटवीन. इसमें सजेशन दिया गया, स्टूडेंट्स कैन वर्क इन अ ग्रुप 4 to 5. ये आपके लिए एक सजेशन है कि आप इसे ग्रुप में करें. यू मे आल्सो यूज वीड्स विथ अ सॉफ्ट स्टेम फॉर द एक्टिविटीज. डू यू नो वॉट आर वीड्स? अपना अगले चैप्टर में इनको पढ़ेंगे वीड्स क्या होते हैं ना. वीड्स क्या होते हैं? जो हमारे अनवांटेड प्लांट्स होते हैं. ये हमारे क्या, जैसे हर्ब्स हैं हमारे, ये क्या हमारे यूजफुल प्लांट है, ये क्या हमारे यूजफुल, इसी प्रकार यहाँ पर बोला है वीड्स. वीड्स क्या है? हमारे अनवांटेड अनयूजफुल प्लांट्स है. सो इन क्रॉप फील्ड्स, लॉन और इन पोस्ट ऑफन सम अनवांटेड प्लांट्स. देखो यहाँ पे दे भी रखा है, सम अनवांटेड प्लांट्स और वीड्स स्टार्ट ग्रोइंग हैव यू हैव फार्मर्स रिमूविंग. यस, दीज आर द वीड्स. ओके, जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? वीड्स कहते हैं. क्या कहते हैं? वीड्स, है ना. इसी के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? वीडीसाइड. वीडीसाइड मतलब इसको, इस प्रकार के अनवांटेड प्लांट्स को किल करने के लिए होता है वीडीसाइड. प्लांट्स विथ ग्रीन टेंडर स्टेम आर कॉल्ड हर्ब्स. देखिए अब हमारे पास हर्ब की डेफिनेशन आ गई यहाँ पर. क्या है हमारी हर्ब की डेफिनेशन? प्लांट्स विथ ग्रीन एंड टेंडर स्टेम, जिसका स्टेम कैसा हो, टेंडर हो और ग्रीन हो. अब टेंडर का मतलब आपको समझ आया, जो झुका हो, जो झुक सके ना, जो फ्लेक्सिबल हो, उसे हम क्या कहेंगे? टेंडर. तो जो हर्ब है उसका जो, जिसको हम सिंपल से भाषा बात करें लचीला, जिसको बोलते हैं लचीला, उसी के हम कहते हैं टेंडर. सो जिसका स्टेम ग्रीन या टेंडर हो उसे हम क्या कहेंगे? हर्ब. दे आर यूजुअली शॉर्ट एंड मे नॉट हैव मैनी ब्रांचेज. एक तो इसकी हाइट कैसी होगी, बड़ा शॉर्ट होगा, एंड हैव मैनी ब्रांचेज, और इसकी ब्रांचेज क्या बहुत ज़्यादा होगी. सम प्लांट्स डेवलप ब्रांचेज नियर द बेस ऑफ द स्टेम. इसके कुछ ब्रांचेज कहाँ होगी, बड़े पास में, जो स्टेम है उसके बिल्कुल पास में से होगी ना. द स्टेम इज हार्ड बट नॉट वेरी थिक. सम प्लांट्स डेवलप ब्रांचेज नियर द near the base of the stem. The stem is hard but not very thick. Such plants are called shrubs. अब दूसरी हमने बात करी है shrubs की, है ना. shrubs में क्या है? Some plants develop branches near the base. मैंने मतलब बोला था इसके जो branches वो कहाँ से, बिल्कुल base से start होती है ना. stem का कैसा होता है? Hard but not thick. इसका stem hard तो होता है परंतु thick नहीं होता है, उसे हम कहते हैं shrubs. और next हमारे पास है some plants are very tall. अब इसकी जो height है वो कैसी होगी, बड़ी टॉल, एंड हैव हार्ड एंड थिक स्टेम. इसका क्या होगा? तो हमारे पास तीसरा चीज है जो हमारे ट्री कहलाता है. तो जैसा कि हमने देखा, पहला हमारा था हर्ब. हर्ब में क्या था? उसका ग्रीन और टेंडर स्टेम था. नेक्स्ट हमने बात करी शर्ब्स. शर्ब्स के अंदर क्या था? उसका स्टेम हार्ड था परंतु थिक नहीं था, और उसके जो ब्रांचेज वो कहाँ से, बेस से स्टार्ट हो रही थी. और तीसरा हमारा है ट्री. तो ट्री क्या है? बहुत टॉल. देखो ट्री टॉल एंड हैव अ हार्ड एंड थिक स्टेम. इसका जो क्या होगा, स्टेम कैसा होगा? हार्ड भी होगा और थिक भी होगा. द स्टेम हैव ब्रांचेज इन द अपर पार्ट. इसकी जो ब्रांचेज वो कहाँ मिलेगी आपको? अपर पार्ट में. ध्यान रखिए, जो हमारे यहाँ मिली थी कहाँ मिली थी? बेस में मिल रही थी, और यहाँ कहाँ मिल रही? अपर पार्ट. मच अबाउ द ग्राउंड, ग्राउंड से बहुत ऊपर. सच प्लांट्स आर कॉल्ड ट्रीज. तो ये हमारे क्या हो जाएगा? ट्रीज. बेस्ड ऑन द अबाउ कैरेक्टरिस्टिक्स कैन यू नाउ क्लासीफाई द प्लांट्स लिस्टेड बाई यूर यू इन कंप्लीट कॉलम 4 इन टेबल 7.1. पहली वॉन्डर्ड वॉट काइंड ऑफ स्टेम. द मनी प्लांट, बेन स्टॉक, ग्राउंड प्लांट्स एंड द ग्रेप वाइन्स हैव टू ऑब्जर्व सम ऑफ दिस प्लांट्स. हाउ आर दिस डिफरेंट फ्रॉम अ हर्ब, अ शर्ब्स और अ ट्री? वाई डू यू थिंक सम ऑफ देम नीड सपोर्ट टू क्लाइंब अपवर्ड? तो पहली का एक क्वेश्चन, हमें हर्ब देखे, शर्ब्स देखे और ट्रीज देखे, परंतु दे आर सम प्लांट्स those are not having such characters. So what are they called? And they are climbing on someone, something. So what are they called? So उसी के बारे में देखते हैं. What are these? Plants with weak stem. ध्यान रखिए, अब इसका stem कैसे होगा? Weak stem. They cannot stand upright. जो खड़े नहीं हो सकते. But spread on the ground. लेकिन वो क्या होंगे? Ground पे क्या होंगे? चलेंगे.
स्प्रेड ऑन द ग्राउंड आर कॉल्ड क्रीपर्स। तो ये हमारा फोर्थ कैटेगरी क्या हो जाएगा हमारा, क्रीपर्स। वाइल दोज दैट टेक सपोर्ट्स एंड क्लाइंब अप आर कॉल्ड क्लाइंबर्स। और जो क्या होंगे, वाइल दोज जो क्या है दैट टेक सपोर्ट एंड क्लाइंब अप आर कॉल्ड द क्लाइंबर्स। तो एक दो है क्रीपर्स, तो जो हमारे बेले होते हैं, जो बेले हमारे ग्राउंड पर चलती है उसे हम कहते हैं क्रीपर्स, और जो किसी रस्सी पर किसी के उसके ऊपर चलती है वो कहलाती है हमारे क्लाइंबर्स। तो ये दो कैटेगरी और है क्रीपर्स, दोज दे आर स्प्रेडिंग ऑन द ग्राउंड एंड दे कैन नॉट स्टैंड अपराइट। और दूसरा हमारा है क्लाइंबर्स, दीज आर रिक्वायर्ड सपोर्ट्स, दे कैन क्लाइंब अप ऑन समथिंग। ओके, दिस इज द टू डिफरेंट मोर, क्रीपर्स एंड क्लाइंबर्स। दीज आर डिफरेंट फ्रॉम द हर्ब शर्ब्स एंड ट्रीज, परहैप्स देयर आर सम प्लांट्स इन योर स्कूल और एट योर होम दैट यू टेक केयर, राइट डाउन द नेम्स एनी वे। टू ट्रीज, शर्ब्स, हर्ब्स और क्रीपर्स ग्रोइंग इन योर हाउस और स्कूल। देखो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये हमारा क्या है, क्रीपर्स। जैसे आपने देखा होगा कद्दू की बेल देखी होगी, ये कद्दू यहाँ पर दिख रहा होगा, ककड़िया है, इस प्रकार की जो भी बेल होती है वो हमारे क्या की होती है, क्रीपर्स। और क्लाइंबर्स, जो मनी प्लांट है वो क्या है हमारा, क्लाइंबर है, वो ऊपर चढ़ता है इसलिए। नेक्स्ट है हमारे पास स्टेम। अब हम एक एक पार्ट प्लांट के एक एक पार्ट को लेंगे और उसको हम डिटेल में देखेंगे, व्हाट आर देयर इंपॉर्टेंस। ऑब्जर्व क्लोजली द स्टेम ऑफ डिफरेंट प्लांट्स अराउंड यू, नोट डाउन डिफरेंट स्ट्रक्चर्स पार्ट्स बोन बाय देम बोन बाय द स्टेम, कंपेयर योर ऑब्जर्वेशन विद द डेट ऑफ द योर फ्रेंड्स, व्हाट डू यू फाइंड। स्टेम बियर लीव्स, ब्रांचेस, बर्ड्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। जो हमारा स्टेम होता है उसके अंदर हमको क्या बहुत सारी चीज़ देखने को मिलती है, जैसे कि हमारे पास क्या, लीव्स, ब्रांचेस, बर्ड्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स। एक्टिविटी हम टू देखते हैं, एक्टिविटी टू में क्या बोल रहा है ये, वी वुड रिक्वायर अ ग्लास वाटर, रेड ब्लू इंक एंड अ सॉफ्ट स्टेम, पोर वाटर टू फिल 1/3 ऑफ द ग्लास। देखो ये सब बिल्कुल सिंपल सा इसके अंदर एक्टिविटी दे रखी है, इस एक्टिविटी के अंदर आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे आपको एक डायग्राम दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको एक ग्लास दिख रहा होगा, सॉरी, यहाँ पे आपको एक ग्लास दिख रहा होगा। इस ग्लास के अंदर क्या करना है आपको, एक न्यूली जो ग्रोन प्लांट है उस न्यू ग्रोन प्लांट को क्या करना है आपको, कट करना है, और कट करके आपको एक ग्लास लेना है। आपको ग्लास दिख रहा होगा यहाँ पे, ये है ना ग्लास। इस ग्लास के अंदर क्या करना है आपको, रेड इंक है ना, थोड़ा सा इंक की 2-4, 5-10 बूंद इसमें डाल दी, इसको वाटर को डिजोल्व करके, अब जो आपने प्लांट काटा है उसके अंदर क्या करो, इस प्लांट को इसके अंदर डीप कर दो। अब जैसे हम अंदर डीप करेंगे तो क्या होगा, कुछ समय बाद ये वाटर जो है क्या कर लेगा, इसको सक कर लेगा, और जो लीव्स के अंदर क्या हो जाएगा, इसके सब रेड रेड कलर दिखना चालू हो जाएगा, ये पूरा हमको रेडिश दिखना स्टार्ट हो जाएगा। सो दिस इज अ कंप्लीट एक्टिविटी, देखते हम अब इस एक्टिविटी से हमारा होगा क्या। फ्रॉम दिस एक्टिविटी वी सी दैट द स्टेम हेल्प्स इन अपवर्ड मूवमेंट ऑफ द वाटर। इस एक्टिविटी से हमको क्या पता चलेगा कि जो वाटर वो क्या होता है, अपवर्ड मूवमेंट होता है, किसकी मदद से, स्टेम की मदद से। द वाटर एंड मिनरल्स गो टू लीव्स एंड अदर प्लांट्स ऑफ पार्ट अटैच टू स्टेम। जो भी स्टेम से अटैच है वो सब पार्ट किसके साथ चले आएंगे, हमारे स्टेम के थ्रू कहाँ चले आएंगे, हमारे कहाँ चले आएंगे, पूरे से भी बॉडी प्लांट के बॉडी पार्ट में चले जाएंगे। नाउ नेक्स्ट वन, इट इज द लीफ। नेक्स्ट हम बात करते हैं लीफ की। ऑब्जर्व द लीव्स ऑफ सम प्लांट्स अराउंड यू एंड ड्रॉ देम इन योर नोटबुक, आर ऑल लीव्स ऑफ सेम साइज, शेप एंड कलर। अगर हम आसपास हमारे देखें तो बहुत सारी हमको लीव्स देखते हैं, उसके अंदर सभी के कलर कलर सबका जो शेप साइज होता है एक जैसा होता है क्या, नहीं, उन सबका शेप साइज सब कुछ क्या होता है, अलग अलग होता है। हाउ आर लीव्स अटैच टू स्टेम, द पार्ट ऑफ लीफ बाई विच इट इज अटैच टू स्टेम इज कॉल्ड पेटियोल। अब ध्यान रखिए पेटियोल क्या है, आपको यहाँ पर डायग्राम में दिखा देता हूँ पेटियोल क्या होता है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, द पार्ट ऑफ लीफ विच इज अटैच टू द स्टेम। देखो यहाँ पे स्टेम है, स्टेम से अटैच, स्टेम आपको दिख रहा होगा, स्टेम से अटैच जो पार्ट है उसे हम क्या कहते हैं, पेटियोल। और जो हमारा पूरा ये लीफी स्ट्रक्चर उसे हम क्या कहते हैं, लैमिना। क्या कहते हैं उसे, लैमिना। द ब्रॉड ग्रीन पार्ट ऑफ द लीफ इज कॉल्ड लेमिना। सो द लीफ बाई विच इट इज अटैच्ड टू द स्टेम इज कॉल्ड पेटियोल एंड द ब्रॉड ग्रीन पार्ट ऑफ द लीफ इज कॉल्ड लेमिना। आपको पेटियोल और लेमिना दिख रहा होगा। कैन यू आइडेंटिफाई दिस पार्ट ऑफ द लीव्स इन प्लांट्स अराउंड यू, डू यू ऑल लीव्स। देखो आपको बेहाल हमने दिखाया है, ये हमारा क्या हो गया, पेटियोल हो गया हमारा ये, और ये हमारा पूरा कंप्लीट पार्ट क्या हो गया, लेमिना। ध्यान रखिए जिससे हमारा स्टेम अटैच होता है उसे हम बोलते हैं पेटियोल, और जो हमारा पूरा ग्रीन पूरी लीव जो हमारी दिखती है उसे हम कहते हैं लैमिना। ओके, लेट अस गेट टू नो द लीव बेटर बाय द टेकिंग इट्स इम्प्रेशन।
इफ यू थॉट दैट लीव्स कैन नॉट साइन, हियर इज एन एक्टिविटी विच यू विल यू मेक यू द थिंक अगेन। अब जिस प्रकार हमारे हाथों पे क्या होती है, फिंगरप्रिंट्स जिसको हम बोलते हैं ना, प्रिंट्स होती हैं, इसी प्रकार लीव्स में भी आपको बीच में क्या दिख रही है, कुछ वेंस, आपको कुछ लाइनिंग्स दिख रही होगी। अगर हम इस पे इंक लगा के हम किसी पर छाप लगाएंगे तो क्या होगा, ये उसके सिग्नेचर हो जाएंगे, किसके, लीफ के, प्लांट के सिग्नेचर हो जाएंगे। और हर लीफ का जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, बिल्कुल डिफरेंट होता है। जिस प्रकार हमारी हर व्यक्ति के हाथों की जो उंगलियां होती है वो क्या होती है, अलग होती है, उसी प्रकार। तो आपको चीज़ समझ में आ रही होगी कि पेटियोल क्या है और हमारा लेमिना क्या है। पेटियोल क्या, हमारा जो अटैच पार्ट है स्टेम से, है ना, जो लीफ को अटैच करके रखा है वो हमारा पेटियोल है, और जो दो ब्रॉड ग्रीन पार्ट है ना, इट इज़ कॉल्ड, है ना, जो लीफ का ब्रॉड ग्रीन पार्ट वो हमारा लेमिना है। यहाँ पे एक्टिविटी आपको दिख रही होगी, जैसे मैंने आपको बताया बिहार, तो ये आपको मैंने बिहार बताया, इस पर क्या हो जाएगा, इसकी छप जाएगी। अब देखते हैं इसके अंदर अलग स्ट्रक्चर्स क्या हैं। दीज लाइन्स ऑन द लीफ आर कॉल्ड वेन्स। अब इसके अंदर आपको लाइनिंग दिख रही है ना, जिस प्रकार हमारे अंदर क्या होती है, वेन्स होती है, आर्टरीज वेन्स होती है, उसी प्रकार इसके ऊपर जो लाइन आपको दिख रही है वो क्या कहलाई, इसकी वेन्स। डू यू सी अ प्रोमिनेंट लाइन इन द मिडिल ऑफ द लाइन, दिस इज कॉल्ड मिड रिब। और इसके जो सेंटर में बिल्कुल लाइन है, जैसे अगर आपको स्ट्रक्चर देखा जाए तो ये हमारे पास क्या है, पूरा लीफ का स्ट्रक्चर। इसके बीच की जो सेंटर लाइन है हमारी, ये सेंटर लाइन हमारी क्या कहलाएगी, मिड रिब। और इसके अलावा जो इसमें अलग लाइनें कहलाएगी, ये हमारी कहलाएगी वेन्स। आपको समझ में आ रहा होगा, द डिज़ाइन मेड बाई वेन्स इन अ लीफ इज कॉल्ड द लीफ वेनेशन। इस प्रकार जो पूरी डिज़ाइन बनी हुई है सब क्या कहलाएंगे, लीफ। ये पूरा स्ट्रक्चर क्या कहलाएगा हमारा, लीफ वेनेशन। इफ दिस डिज़ाइन इज नेट लाइक ऑन बोथ साइड्स ऑफ द मिड रिब, द वेनेशन इज रेटिकुलेट, है ना। इफ दिस साइन इज नेट लाइक, अगर स्ट्रक्चर कैसा दिखेगा हमको, नेट लाइक स्ट्रक्चर दिखा ना, देखो हमको दिख रहा है नेट लाइक स्ट्रक्चर्स, है ना, ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ ऑफ मिड रिब, द वेनेशन इज रेटिकुलेट है। वेनेशन क्या होगा हमारा, रेटिकुलेट होगा। इन द लीव्स ऑफ ग्रास यू माइट हैव सीन दैट आर वेन्स आर पैरेलल टू वन अनदर। तो ध्यान रखिए, अब इसमें भी क्या होगा, हमारे जो वेन के अकॉर्डिंग हमारे क्या होंगे, अलग अलग लीव्स होगी। अगर ये हमारा क्या है, मिड रिब है, मिड रिब के आसपास अगर इस प्रकार की वेन्स होगी अलग अलग, तो क्या कहलाएगी हमारी, दूसरी कुछ कहलाएगी। लेकिन तो अगर हमारी क्या पैरेलल होगी, इस प्रकार से पैरेलल होगी, है ना, ये हमारी कहलाएगी पैरेलल वेनेशन। सो लीव्स ऑफ ग्रास यू माइट हैव सीन दैट वेन्स आर पैरेलल टू वन अनदर, दीज आर पैरेलल वेनेशन। ऑब्जर्व द वेनेशन इन एज मैनी लीव्स एज यू कैन विदाउट रिमूविंग देम फ्रॉम द प्लांट। ड्रॉ द पैटर्न राइट। यहाँ पे हम पैटर्न देख लेते हैं, किस प्रकार का पैटर्न है हमारा। यहाँ पे आपको जैसे आपके स्ट्रक्चर में दिख रहा होगा, यहाँ पे हमारे पास है मिड रिब। आपको मैंने बताया था बीच की जो लाइन हमारी है वो क्या कहलाएगी हमारी, मिड रिब। और इसके आसपास की जो लाइन होगी हमारी क्या कहलाएगी, वो वेन्स, ठीक है, वेन्स। और इसको हम पूरे स्ट्रक्चर में कह लेंगे लीफ वेनेशन। नेम ऑफ सम प्लांट्स हैविंग रेटिकुलेट इन द पैरेलल वेनेशन, ठीक है। शेल वी नाउ फाइंड आउट सम ऑफ द फंक्शंस ऑफ लीफ। अब हम इससे कुछ फंक्शंस ऑफ लीफ देते हैं। एक्टिविटी नंबर फोर हमारे पास है। एक्टिविटी नंबर फोर क्या बोल रहा है हमसे, वी विल रिक्वायर अ हर्ब टू ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन बैग्स। अब देखिए, अब हम क्या देखेंगे, इसका ट्रांसपायरेशन देखेंगे। हम क्या देखेंगे, इसका ट्रांसपायरेशन। ट्रांसपायरेशन मतलब सिंपल से क्या होता है, रिमूविंग ऑफ एक्सेस वाटर, है ना। जब प्लांट क्या करता है, पानी बहुत सारा ले लेता है अपने अंदर, बॉडी के अंदर, तो प्लांट को क्या, प्लांट से क्या करता है, अपने बॉडी से एज ए वाटर वेपर क्या करता है, बॉडी को में से वाटर को रिमूव करता है। दिस रिमूविंग ऑफ वाटर इट इज कॉल्ड द ट्रांसपाइरेशन। ध्यान रखिए आप। तो देखिए यहाँ पर इस एक्टिविटी से पढ़ेंगे, पहले आपको देख लीजिए, वाटर कम्स आउट इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। यहाँ आपको दिख रहा होगा, वाटर कम्स आउट ऑफ लीफ इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर बाय द प्रोसेस इज कॉल्ड द ट्रांसपाइरेशन। जो एक्सेस अमाउंट में वाटर बॉडी के अंदर चले गया प्लांट की, वो बाहर निकालने को का किस फॉर्म में निकालेंगे, वाटर वेपर में, जिस प्रोसेस को ट्रांसपाइरेशन। प्लांट्स लीज अ लॉट ऑफ वाटर इन टू द एयर थ्रू दिस प्रोसेस। वी विल लर्न मोर अबाउट दिस इन चैप्टर नंबर 14। वाई डिड वी टाई अ कवर अराउंड द, अब देखो हमने क्या पे एक एक्टिविटी देखी है। एक्टिविटी क्या करेंगे, हम एक न्यूली ग्रोन प्लांट लेंगे, उस न्यूली ग्रोन प्लांट को हम क्या कर देंगे, इस प्रकार पॉलीथीन से पैक कर देंगे। अब इसको थोड़ी देर के लिए क्या कर दो, उसको छोड़ दो। अब ये क्या करेगा, सांस जब लेता है प्लांट, है ना, तो क्या होगा, इसके अंदर ट्रांसपेशन मतलब इसके अंदर क्या, बारीक 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 पानी की बूंदें आपको दिखने लग जाएगी, जिसको हम बोलते हैं वाटर वेपर, है ना। तो ये हमारा एक्सपेरिमेंट, इससे हम क्या कर सकते हैं, जिसके अंदर इवोपरेशन है, इवोपरेशन, इससे हमको पता चलेगा कि प्लांट हैज हैविंग द ट्रांसपायरेशन, है ना। प्लांट शोज अ ट्रांसपायरेशन प्रोसेस। व्हाट इज द ट्रांसपायरेशन प्रोसेस, आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द ट्रांसपायरेशन प्रोसेस। सो वाटर कम्स आउट ऑफ लीफ इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर बाय द प्रोसेस ऑफ कॉल्ड ट्रांसपायरेशन।
नाउ एक्टिविटी नंबर फाइव, एक्टिविटी नंबर फाइव में क्या है, वी वुड रिक्वायर्ड अ लीफ स्प्रिट अ बीकर टेस्ट ट्यूब बर्नर वाटर वॉल ग्लास आयोडीन सॉल्यूशन। अब इसके अंदर हमारे पास ध्यान रखिए व्हाट डज द लीफ कंटेन। अब जो लीफ है लीफ के अंदर क्या है हम अगर उसको एक्सपेरिमेंट करके देखें तो हमारे पास नेक्स्ट एक्टिविटी नंबर फाइव है जिसको हम देखेंगे। तो लीफ के अंदर क्या होता है, ग्रीन कलर फ्रॉम द लीफ कम्स आउट इन टू द स्प्रिट। अब क्या करेंगे हम इसके अंदर जो एक लीफ जो हम प्लांट लेंगे इसको पहले हम बॉयल करेंगे। बॉयल करने के बाद हम क्या करेंगे इसके अंदर इस लीफ को बाहर निकालेंगे, उसके अंदर हम क्या डालेंगे हमारा आयोडीन सॉल्यूशन। आपको दिख रहा होगा बीकर हमने लिया है, बीकर बीकर के अंदर क्या थोड़ा पानी लिया, पानी के अंदर भी क्या डालेंगे हम ये लीफ डालेंगे, थोड़ी देर उबालेंगे तो इसके अंदर क्या होगा इसका जितना भी कार्बोहाइड्रेट है वो क्या हो जाएगा बाहर निकल जाएगा। और फिर बाद में जब हम इसके अंदर डालेंगे क्या आयोडीन सॉल्यूशन, सो हमारे को कौन सा कलर शो करेगा, ब्लैक ब्लू है ना, कौन सा कलर शो करेगा, ब्लैक ब्लू। तो देखते हैं इस एक्टिविटी को, नोट सिंस द एक्टिविटी इन्वॉल्व द यूज ऑफ स्प्रिट एंड हीटिंग इट एडवाइज है ना, थोड़ा सा एक्टिविटी वाली बात ही। नाउ प्लेस द टेस्ट ट्यूब इन अ बीकर हाफ फिल विथ वाटर, हीट द बीकर टिल द ग्रीन, ये अपने ऊपर बताया देखा इसके अंदर। फिर चैप्टर नंबर टू में वी सॉ दैट द स्लाइस ऑफ रॉ पोटेटो ऑल्सो शोज द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च, हमें यहाँ पे देखा था कि स्टार्च की प्रेजेंस होती है। पोटेटो गेट्स दिस स्टार्च फ्रॉम द लीव्स एंड स्टोर इट, लीव्स प्रिपेयर देयर फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड ग्रीन कलर्ड सब्सटेंस प्रेजेंट इन देम, फॉर दिस दे ऑल्सो यूज वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। नाउ वी आर चेकिंग द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, द व्हाट इज द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड है ना, ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस क्या है, खाना बनाने की मेथड है जो खाना बनाते हैं प्लांट, क्योंकि हमने देखा है दे आर टू टाइप्स ऑफ प्लांट ऑर्गेनिजम्स, ऑटोट्रॉफ एंड हेटरोट्रॉफ्स, बेसिकली और भी होते हैं लेकिन हम बेसिकली बात करें तो ऑटोट्रॉफ्स एंड हेटरोट्रॉफ्स। तो ऑटोट्रॉफ्स मतलब क्या, जो खुद अपना खाना बनाते हैं जैसे कि प्लांट्स, तो ये जो खाना जब खुद बनाएंगे इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, फोटोसिंथेसिस, सॉरी जिसे हम क्या कहेंगे, फोटोसिंथेसिस। सो फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स प्रिपेयर देयर ऑन फूड विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड सनलाइट है ना। अब किसकी प्रेजेंस में, वो हमारा क्लोरोफिल है ना, इसके अंदर जो ग्रीन पिगमेंट बताया, ग्रीन कलर बताया उसके हम बोलते हैं क्लोरोफिल, तो उसी की प्रेजेंस को हम देखेंगे इस एक्सपेरिमेंट में। अभी हमने जो एक्सपेरिमेंट देखा था वो एक्सपेरिमेंट इसी की वजह से हम देखेंगे, अभी हमने देखा था ना एक्सपेरिमेंट किसके अंदर क्या प्रेजेंस है, हमारा क्लोरोफिल प्रेजेंट है। सो वी हैव सीन दैट द स्टेम सप्लाइज लीफ विथ वाटर, द लीफ यूजेस द वाटर टू मेक फूड, द लीव्स आल्सो लूज वाटर थ्रू ट्रांसपिरेशन, हाउ डू वी स्टेम एंड लीव्स है ना। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे रूट्स की, लुक फिगर 7.13, व्हाट डू यू थिंक अ वाटरिंग देयर प्लांट्स करेक्टली, पहली और बुझो वाई, विच पार्ट ऑफ द प्लांट इज इन द सॉइल, लेट अस लर्न मोर अबाउट दिस पार्ट द फॉलोइंग एक्टिविटीज। अब यहाँ पर क्या है, एक्टिविटी नंबर सिक्स बताई गई है ना, तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, बूझो और पहली क्या कर रहे हैं, वाटर दे रहे हैं। तो हमको यहाँ पर दिख रहा होगा जो बूझो है वो क्या कर रहा है, पानी किस पर दे रहा है, लीव्स पर दे रहा है। और अगर हम बात करें किसकी, पहले की, तो पहले पानी कहाँ दे रही है, जड़ों में दे रही। तो पानी बेसिकली हम जनरली गलती यही करते हैं कि प्लांट को हम पानी कहाँ देते हैं, लीव्स में, ताकि हमको लीव्स बहुत हरी हरी दिखे, ताजी ताजी दिखे। परंतु जो प्लांट्स के अंदर वाटर जाता है वो प्लांट्स में वाटर कहाँ से आता है, वो जाता है हमारा वाटर थ्रू द रूट्स, रूट्स की मदद से जाता है। इसलिए हमें पानी कहाँ देना चाहिए, रूट्स में। सो डेफिनेटली प्लांट कौन सा ग्रो करेगा, रूट वाला ग्रो करेगा। तो हम एक्टिविटी नंबर सिक्स देखते हैं, हमें पे दो प्लांट्स हमारे पास दिख रहे हैं है ना, सेम काइंड, दोनों एक जैसे हैं, एंड डिग देम आउट विथ रूट्स। अब इसके अंदर क्या करना है हमें, ओपन ग्राउंड एंड डिग देम आउट विथ रूट्स, टेक केयर दैट देयर रूट्स डू नॉट ब्रेक प्लांट्स है ना, ए कट ऑफ देम फ्रॉम द, तो बेसिकली क्या है इस एक्टिविटी के अंदर हमने देखा कि दो जो प्लांट है इसके अंदर पानी हमने लिया है ना, टू पॉट्स लिए, इसके अंदर हमने सॉइल ली है। अब क्या करेंगे हम इसके अंदर, एक के अंदर रूट्स हमने रखी है और एक के अंदर रूट्स नहीं रखी है। तो बेसिकली होगा क्या कि जिसके अंदर रूट्स होगी वही क्या प्लांट करेगा, हमारा ग्रो करेगा, दूसरा प्लांट डाइड हो जाएगा। एक्टिविटी नंबर सेवन, वी वुड है ना, बोथ प्लांट्स आर वाटर्ड रेगुलरली ना, दोनों प्लांट को देखेंगे एक्टिविटीज, स्टडी अनदर फंक्शंस। इसी प्रकार हम बात करें एक्टिविटी नंबर सेवन, वी वुड रिक्वायर सीड ऑफ ग्राम एंड मेज, कॉटन वूल, कटोरी, बाउल एंड सम वाटर।
आपने देखा होगा मम्मी घर पे क्या करती है, दिखता है इस प्रकार करती है। क्या करना है आपको, एक कटोरी लेना, बाउल के अंदर आपको कुछ सीड्स लेना, काई के सीड्स लेना आपको, ग्राम के, चने के, मैंस के, कॉटन वूल साथ ले लो। अब इस कॉटन वूल को क्या करते हो, थोड़ा गीला कर दो और इसके पास क्या अलग कर दो, इसके आसपास लपेट दो। तो आप देखेंगे कुछ समय बाद क्या होगा, जो हमारा ये प्लांट्स हैं हमारे, जिसके प्लांट्स नहीं जिसके हम बात करें, जो हमारे सीड्स हैं वो क्या होने लग जाएंगे, ग्रो होने लग जाएंगे। सो नाउ व्हाट विल सी इन एक्टिविटी नंबर सिक्स, वी कुड नॉट पुल आउट द प्लांट्स फ्रॉम द सॉइल, राइट, वी डग देम आउट, दिस इज बिकॉज द रूट हेल्प इन द होल्डिंग द प्लांट्स फर्मली टू द सॉइल, दे एंकर द प्लांट टू द सॉइल। यू हैव लर्न दैट दीज आर द डिफरेंट काइंड ऑफ स्टेम्स एंड लीव्स, है ना, क्योंकि क्या होती है, अलग अलग प्रकार की क्या होती है, लीव्स होती है। हमने देखा भी हल दोनों अलग अलग प्रकार के हमने उगाए थे, एक हमने क्या उगाया है हमारा मेज का, मक्का जिसको बोलते हैं मेज, और हमने एक उगाया ग्राम जिसको बोलते हैं चना। तो इन दोनों के रूट्स में देखा है तो क्या होगा, हमको दोनों को देखने का मिलेगा, दोनों में डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे हमको दिख रहा होगा इसकी रूट्स अलग है, इसका स्टेम अलग है, इसका अलग है, इसका अलग है, तो इसकी रूट्स का कुछ डिफरेंट है। अगर हम बात करें तो नंबर ए की बात करें तो हमारा नंबर ए कौन सा है, रूट ऑफ ग्राम, है ना, कौन सा है हमारा रूट ए, कौन सा है हमारे पास मेज, और रूट ऑफ बी काई की हमारी ग्राम की, काई की हमारे पास ग्राम की है। तो पहला हमारे पास मेज है और दूसरा हमारे पास क्या है, ग्राम है, राइट। ग्राम और मेज इन द ब्लैंक है ना स्पेस, इन व्हाट वेज दे आर रूट्स ग्राम एंड मेज सिमिलर इन विच है, तो इसमें दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में सिमिलरिटीज क्या है, वहाँ पे आगे पूरे देखेंगे। हमारे पास नंबर एक्टिविटी नंबर नाइन है, इसको थोड़ा ध्यान से देखते हैं एक्टिविटी नंबर नाइन, क्योंकि अपने जो भी तीन एक्टिविटीज देखी है इसमें हमें चीज़ समझ में आ जाएगी। गो टू एन ओपन ग्राउंड वेयर मैनी वाइल्ड प्लांट्स आर ग्रोइंग, डिग आउट अ फ्यू वॉश द सॉइल ऑफ द रूट्स एंड ऑब्जर्व देम, डू यू फाइंड दैट ऑल द यू हैव आइदर द काइंड ऑफ रूट शोन इन। अब क्या करना है हमको, दो प्लांट है दोनों की, वो रूट्स को करना हमको थोड़ा सा वॉश करेंगे और प्रॉपरली देखेंगे कि जो हमारी रूट्स है वो रूट्स में दोनों में डिफरेंस क्या है। फॉर रूट्स ऑफ द स्टेम शोन इन फिगर 7.17, द मेन रूट इज कॉल्ड टेप रूट। अब हम देखेंगे दो प्रकार की रूट्स होती है, कौन सी होती है, टेप रूट, एंड द स्मॉलर रूट्स आर कॉल्ड द लेटरल रूट। तो हमारे हमको दिख रही होगी टेप रूट, ये हमारी दिख रही होगी टेप रूट, और ये हमारी क्या दिख रही है, हमारी लेटरल रूट। सो एक तो बीच में हमारे पास मेन रूट है हमारी टेप रूट, इसके आसपास जो हमारी दिख रही है हमारी क्या होगी, लेटरल रूट। स्मॉलर रूट्स आर कॉल्ड लेटरल रूट्स, प्लांट्स विथ रूट्स एज शोन इन फिगर 7.17, यहाँ पे देख रहा हूँ नंबर ए नंबर बी, प्लांट्स विथ रूट्स एज शोन 7.17 डू नॉट हैव अ मेन रूट, ऑल रूट्स सीम सिमिलर एंड दीज आर कॉल्ड फाइबरस रूट। तो बेसिकली आप इसलिए समझिए, जैसे हमारे अगर कोई रूट है तो ये हमारे पास क्या है, मेन रूट है, तो इसे हम क्या कहेंगे, टैप रूट, क्या कहेंगे इसे, टैप रूट, और इसके अंदर हमारे जो स्ट्रक्चर इसे होंगे इसे हम क्या कहेंगे, हमारे लेटरल रूट, है ना, इसे क्या कहेंगे हम, लेटरल रूट। लेकिन पर हमारे पास एक तो टैप रूट है, दूसरा हमारे पास क्या है, फाइबरस, जो बिल्कुल फाइबर इसे स्ट्रक्चर दिख रही है ना, रेशे जैसे बोलते हैं, तो वो हमारे क्या कहलाएगी, हमारी फाइबरस रूट। तो हमारे पास द मेन रूट इज कॉल्ड द टैप रूट एंड द स्मॉलर रूट्स आर कॉल्ड द लेटरल रूट्स, एंड प्लांट्स विथ रूट्स देखा था फिगर 7.17 में डू नॉट हैव एनी मेन रूट, जिसके पास क्या है, मेन रूट नहीं है, एंड दीज आर कॉल्ड फाइबरस रूट, जिसके पास मेन रूट नहीं हो क्या हमारी फाइबरस, जिसके पास मेन रूट हो हमारी कहलाएगी टेप रूट्स। देयर टू टाइप्स ऑफ रूट्स, टेप रूट एंड फाइबरस रूट, ठीक है। जो लेटरल रूट्स है वो लेटरल रूट्स किसका पार्ट है, हमारे टेप रूट का ही पार्ट, ध्यान रखना है। सेपरेट द प्लांट यू हैव कलेक्ट सेपरेट द प्लांट यू हैव कलेक्ट इन टू द टू ग्रुप्स, इन ग्रुप ए पुट पुट दोज दैट हैव टैप रूट्स एंड इन ग्रुप बी दोज हैव फाइबरस रूट्स, लुक एट द लीव्स ऑफ द प्लांट्स इन ग्रुप, वॉट काइंड ऑफ वेनेशन डू दे हैव, वॉट काइंड ऑफ वेनेशन, हमने देखा था वेनेशन, वेनेशन मतलब हमने देखा था उसकी लीव्स, हमारी जो लीव्स है ना, लीव्स के अंदर जो उसकी वेन्स थी उसके अंदर भी पैटर्न हमको देखने को मिला है कि जो हमारे लेटरल है और जो हमारे पास टैप रूट है उन दोनों में क्या सिमिलरिटीज है, क्या डिफरेंस है। तो यहाँ पर एक बात पूछेगा बुजू हमसे, क्या पूछेगा, बुजू हैज़ ब्रिलियंट आइडिया, इफ ही वॉन्ट्स टू नो वॉट काइंड ऑफ रूट्स अ प्लांट हैज़ ही नीड टू पुल आउट इट आउट, ही जस्ट हैज़ अ लुक एट इट्स लीव्स। उसके मन में क्वेश्चन आया कि अगर हमको अगर किसी भी प्लांट के देखना है कि वो लेटरल है मतलब या टैप रूट है या फिर फाइबरस रूट है, तो हमको उसको उखाड़ना पड़ेगा, उसको निकालना पड़ेगा। तो
तो क्या हमेशा जरूरी नहीं, हम क्या लीव्स को देख के भी क्या कर सकते, पता कर सकते हैं। तो यहाँ हमने देखा 7.2 टाइप्स ऑफ रूट्स एंड टाइप्स ऑफ ये अलग प्लांट देख सकते हैं। वी हैव लर्न दैट द रूट्स एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल एंड द स्टेम कंडक्ट्स दीज टू लीव एंड अदर प्लांट्स अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट। द लीव्स प्रिपेयर फूड, दिस फूड ट्रेवल्स थ्रू द स्टेम एंड इज स्टोर्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट। वी ईट सम ऑफ दिस एज रूट्स लाइक कैरट, रेडिश, स्वीट पोटेटोज, टर्निप एंड टोपियोका। तो हम आपको देख रहा होगा रेडिश मतलब हमारी मूली होती है, टर्निप मतलब हमारा शलजम होता है ना। बाकी आपको पता हो कैरेट मतलब हमारी क्या होती है, गाजर, रेडिश मतलब हमारी मूली, टर्निप मतलब हमारा होता है स्वीट पोटैटो मतलब हमारा शकरकंद, टर्निप मतलब हमारा शलजम है ना। वी आल्सो ईट मेनी अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट वेयर फूड इज स्टोर्ड। डू यू अग्री दैट स्टेम इज लाइक अ स्ट्रीट विथ यू टू वेज ट्रैफिक। राइट द नेम ऑफ मटेरियल दैट गोज अप इन द स्टेम एंड दैट विच कम्स डाउन। तो हमको यहाँ पे स्टेम दिख रहा है, स्टेम एज टू वे ट्रैफिक स्ट्रीट। इन दिस इन द नेक्स्ट सेक्शन वी विल स्टडी अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द फ्लावर। नाउ फ्लावर की अगर बात करें 7.5, यू आर शोन देयर ब्रांचेस ऑफ अ रोज इन फिगर 7.19 ए बी एंड सी, विच वन विल हेल्प यू बेस्ट टू रिकॉग्नाइज द प्लांट्स। यहाँ पे हमको दिख रहा होगा प्लांट नंबर वन, प्लांट नंबर टू। नंबर वन पे है लीफलेस ब्रांचेस और ब्रांच विथ अ लीव्स, अ ब्रांच विथ अ लीव्स एंड फ्लावर्स। आपको यहाँ पे तीन दिख रहे होंगे ए बी और सी, जिसके अंदर एक के अंदर हमारे पास क्या है बिल्कुल लीफ नहीं है, दूसरे में हमारे पास लीफ है, तीसरे में पास लीफ और फ्लावर दोनों हैं। विच कलर डिड यू यूज फॉर द फ्लावर इन फिगर 7.19? फिगर 7.19 देख लेते हैं हम, ये आपको अच्छे से फिगर 7.19 दिख रहा होगा। आर ऑल फ्लावर्स कलरफुल? हैव यू एवर सीन फ्लावर्स ऑन ग्रास, वीट, मेज, मैंगो और गुआवा? आर दीज ब्राइटली कलर्ड? लेट अस स्टडी अ फ्यू फ्लावर्स। वेन चूजिंग फ्लावर्स टू स्टडी, अवॉइड यूजिंग मेरी गोल्ड, क्राइसिस, थीमम और द सनफ्लावर। ये क्राइसिस क्राइसेन थीमन मतलब हमारा होता है गुल दाऊदी है ना, एक प्रकार का पौधे है ना, इसका नाम है गुलदाऊदी। ओके तो ध्यान रखिए आप। हमारे पास नेक्स्ट एक्टिविटी हमारे पास क्या है फ्लावर की हम बात करते हैं, एक्टिविटी नंबर 10 से सबको समझ आएगा फ्लावर्स पे किस प्रकार है। वी वुड रिक्वायर वन बर्ड एंड टू फ्रेश फ्लावर्स ईच ऑफ एनी ऑफ द फॉलोइंग, धतूरा, चाइना रोज, मस्टर्ड, ब्रिंजल, लेडी फिंगर्स, गुलमोहर। ऑल्सो अ ब्लेड, अ ग्लास लाइट और अ शीट ऑफ पेपर, अ मैग्नीफाइंग ग्लास इन वाटर। ऑब्जर्व फिगर 7.20 केयरफुली, लुक एट द प्रोमिनेंट पार्ट ऑफ द ओपन फ्लावर। दीज आर द पेटल्स, डिफरेंट फ्लावर्स हैव पेटल्स ऑफ डिफरेंट कलर्स। वेयर डू यू थिंक द पेटल्स आर इन द क्लोज बर्ड्स, विच इज मोस्ट प्रोमिनेंट पार्ट इन अ बर्ड? डिड यू सी दैट दिस पार्ट इज मेड ऑफ स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स, दे आर कॉल्ड द सेपल्स। तो आप आपको दिख रहा होगा सेपल्स और पेटल्स में क्या अंतर है। जो हमारा कलर्ड वाला पार्ट होता है हमारा, कौन सा पार्ट होता है हमारा, जो हमारा कलर्ड वाला पार्ट होता है, यहाँ पर दिख रहा होगा अभी कलर्ड वाले है ना, जिसको हम पंखुड़िया कहते हैं, वो हमारे कहलाता है पेटल्स, पी से पंखुड़ी, पी से पेटल और एस सेपल। जो हमारा जो ग्रीन पार्ट, इसके आसपास जो कवर होता है ना, जिसको जिससे कवर होता है ना, ये हमारा क्या कहलाता है, हमारे सेपल्स। ठीक है, तो पेटल्स जो हमारी पंखुड़ियाँ हैं, सी से सेपल्स जो हमारी नीचे की है। तो दीज आर द सो ग्रीन स्ट्रक्चर्स स्मॉल, यहाँ पे दिख रहा होगा द पार्ट इज स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर, आपको नीचे दिख रहा होगा लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स, दीज आर कॉल्ड द सेपल्स। और पेटल्स हमारे कौन से हैं, डिफरेंट कलर्ड स्ट्रक्चर है ना, ओपन फ्लावर द डिफरेंट कलर स्ट्रक्चर इट इज कॉल्ड द पेटल्स। टेक अ फ्लावर एंड ऑब्जर्व इट पेटल्स एंड सेपल्स। नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, हाउ मेनी सेपल्स डज इट हैव, आर दे जॉइंट टुगेदर, व्हाट आर द कलर्स ऑफ द पेटल्स एंड सेपल्स। हाउ मेनी पेटल्स डज द फ्लावर्स हैव, आर दे जॉइंट टू वन अनदर और दे सेपरेट। डू द फ्लावर विथ जॉइंट सेपल्स हैव पेटल्स दैट आर सेपरेटेड और आर दे ऑल्सो जॉइंट टुगेदर। फिल द टेबल बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन ऑफ द होल क्लास, एड ऑब्जर्वेशन टू दिस टेबल फ्रॉम अ फील्ड ट्रिप टू अ लोकली वेयर देर आर प्लांट्स विथ फ्लावर्स, फिल द लास्ट टू कॉलम्स लेटर।
टू सी द इनर पार्ट ऑफ द फ्लावर क्लियरली यू हैव टू कट ओपन। अब क्या करना पड़ेगा हमको, इसको ध्यान से देखने के लिए करना पड़ेगा, इसको कट करना पड़ेगा फ्लावर्स को आउट सो दैट द इनर पार्ट ऑफ द यू कैन सी इज क्लियरली। रिमूव द सेपल्स, हमने देखा सेपल्स और पेटल्स दोनों को कर देंगे, हम रिमूव कर देंगे अदर पार्ट। स्टडी 7.22, आपको दिख रहा होगा 7.22 यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये हमारे पेटल सेपल्स, इनको क्या कर देंगे हम रिमूव कर देंगे। तो इसके अंदर का हमको क्या दिखेगा, बेसिक स्ट्रक्चर जो फ्लावर का वो देखने को मिलेगा। रिमूव द सेपल्स एंड द पेटल्स टू सी द अदर पार्ट। स्टडी 7.22, केयरफुली कंपेयर योर फ्लावर विद द इलस्ट्रेशन एंड आइडेंटिफाई द स्टेम्स एंड द पिस्टिल। क्या आइडेंटिफाई करेंगे हम, स्टेम और पिस्टिल को आइडेंटिफाई कर लेंगे। ठीक है, लुक एट फिगर 7.23, हमको 7.23 दिख रहा होगा। ठीक है, इट शोज डिफरेंट काइंड ऑफ स्टेमेन प्रेजेंट इन द डिफरेंट फ्लावर्स। कैन यू रिकॉग्नाइज द टू पार्ट्स ऑफ द स्टेमेन इन योर फ्लावर्स? हाउ मेनी स्टेमेन्स आर देयर इन योर फ्लावर्स? ड्रॉ वन स्टेमेन एंड लेबल इट्स पार्ट्स। तो हमारे पास क्या दिख रहा है, पूरा जो पार्ट है ना, स्टेमेन और पिस्टिल। ध्यान रखिए बेसिकली जो स्टेमेन है वो हमारा क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ये हमारा जो दिख रहा है ना पूरा स्ट्रक्चर, ये हमारा पूरा कहलाएगा हमारा स्टेमेन, है ना। स्टेमेन के अंदर दो पार्ट होते हैं, एक हमारा ऊपर वाला होता है एंथर और नीचे जो हमारा पार्ट होता है वो कहलाता है फिलामेंट। ठीक है, ये पूरा पार्ट क्या ऊपर से लेकर नीचे पूरा पार्ट क्या कहलाएगा हमारा, स्टेमेन। ध्यान रखें कैसे याद रखेंगे, स्टेमेन मेन मतलब क्या होता है हमारा, आदमी होता है। तो स्टेमेन पार्ट किसका होगा हमारा, किसका होगा हमारा स्टेमेन पार्ट, मेल का। ठीक है, इस पर का ध्यान रखिए, स्टेमेन है ना, तो स्टेमेन ये पूरा पार्ट किसका हमारा, ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। इसके अंदर हमारा दो पार्ट है, ऊपर जहाँ पर हमारे पॉलन ग्रेन्स होते हैं उसको कहते हैं एंथर, जो नीचे का लॉन्गिट्यूडनल पार्ट है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड फिलामेंट। द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द फ्लावर इज कॉल्ड द पिस्टिल, और इसका जो नीचे का इनर मोस्ट पार्ट है बिल्कुल अंदर वाला जो पार्ट था उसको कहते हैं पिस्टिल, इज कॉल्ड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। इसके अंदर भी तीन पार्ट होते हैं, सबसे ऊपर जो हमारा स्ट्रक्चर होता है वो हमारा कहलाता है स्टिग्मा, बीच में जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है वो हमारा स्टाइल, और लास्ट में जो नीचे जहाँ पर होता है जिसके अंदर हमारे ओव्यूल्स होते हैं जिसको हम कहलाते हैं ओवरी। ओके, सो द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड द पिस्टिल। इफ यू कैन नॉट सी इट कम्प्लीटली, रिमूव द रिमेनिंग स्टेमेन, आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ पिस्टिल विथ द हेल्प ऑफ फिगर 7.24, ड्रॉ अ नेट लेवल डायग्राम ऑफ द पिस्टिल ऑफ योर फ्लावर। लेट अस नाउ स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी। मैंने आपको बताया नीचे बिल्कुल वाला पार्ट जो कहता है ओवरी, इट इज द लोअर मोस्ट इन द स्वेलन पार्ट ऑफ द पिस्टिल, जो कि हमारा बिल्कुल लोअर मोस्ट पार्ट हो गया स्वेलन। देखो फुला हुआ पार्ट है ये, कैसा है, फुला हुआ है, और है ना, इसकी बात करें तो हम ये क्या हमारा ओवरी कैसा है हमारा, बिल्कुल फुला हुआ पार्ट है ना, इट इज स्वेलन पार्ट और लोअर मोस्ट पार्ट। वी विल कट दिस पार्ट टू स्टडी वॉट इज इन साइड। मैंने आपको बताया इसके अंदर क्या मिलेगा हमको, ओव्यूल, ओवरी के अंदर ओव्यूल। Carefully to understand how to cut the ovary of a flower. तो हमको अभी दिख रहा होगा किस प्रकार हमको काटना है। पहले हम इसको दो प्रकार से काट सकते हैं, एक longitude भी काट सकते हैं और transverse भी काट सकते हैं। तो हम देखें दो प्रकार के sections हैं हमारे पास। Cut the ovary in two different ways as shown in figure 7.25. आपको दिख रहा होगा 7.25 में, है ना, और 7.26 में आपको दोनों स्ट्रक्चर्स दिख रहे होंगे किस प्रकार हमने काटे हैं। ये बीच के अंदर जो हमको अंडे से दिख रहे होंगे, these all are the ovules. Observe the inner part of the ovary using lens. Do you see some small bed like structure? है ना, ये bead, bead मतलब होता है गोला, है ना, BEAD, bead, bead मतलब गोला, गोला like structures. Inside the ovary, they are called the ovules. Draw and label the inner part of the ovary in your notebook. Try to find out द नेम ऑफ एनी फ्लावर। अब बेसिकली इसके अंदर कुछ सिंपल सी बात बताई गई है, इसमें कुछ बताया नहीं गया है। वी हैव स्टडीड सम फीचर्स, है ना, तो ये पूरी बात है। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं हमारी एक्सरसाइज क्या बोल रहा है ये। अगर हम बात करें हमारे क्लाइंबर्स, तो व्हाट आर द क्लाइंबर्स, क्लाइंबर्स हमारे कौन से, प्लांट्स डूज द क्लाइंब ऑन अदर पार्ट्स, दे आर कॉल्ड द क्लाइंबर्स। कंडक्ट, व्हाट इज द कंडक्ट, टेकिंग और एब्जॉर्प्शन, है ना, इसको कंडक्ट करना मतलब कंडक्शन बोलते हैं, टेकिंग और एब्जॉर्प्शन। अगर हम बात करें क्रीपर्स, सो दोज दे आर हैविंग वीक स्टेम और दे कैन स्क्रॉल और दोज दे कैन क्रीप ऑन द ग्राउंड। फाइबरस रूट, व्हाट आर द फाइबरस रूट, फाइबरस रूट्स आर नॉट हैविंग द मेन टैप रूट एंड दे आर ब्रांच्ड, दे आर लाइक अ हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स। हर्ब्स, व्हाट आर द हर्ब्स, हर्ब्स आर हैविंग द वेरी वीक स्टेम एंड ग्रीन स्टेम, ओके, दे आर वेरी शॉर्ट इन साइज। लेमिना, लेमिना हमने देखा था, लेमिना कौन सा पार्ट, ध्यान रखो ध्यान रखो, अरे भैया हमने जो लीव्स देखी थी, लीव्स का जो पूरा वाला पार्ट है हमारा क्या कहलाता है, लैमिना। सो इट इज द ब्रॉड, ध्यान रखना हमारा कौन सा था, ब्रॉड ग्रीन पार्ट ऑफ द लीव्स, ब्रॉड ग्रीन पार्ट ऑफ द लीव्स इज कॉल्ड
लेमिन है ना, ग्रीन पार्ट्स का जो लीफ पार्ट्स है ना, ब्रॉड ग्रीन लीव्स, इट इज कॉल्ड द लेमिना। लेटरल रूट, लेटरल रूट कौन सी हमें, जो मेन रूट के जो अदर्स में जो उसके पार्ट्स थे वो कहलाते हमारे थे लेटरल रूट। सो दे आर फाइबरस पार्ट और दे आर द ब्रांच्ड पार्ट और हेल लाइक स्ट्रक्चर्स ऑन द टेप रूट, इट इज कॉल्ड द लेटरल रूट्स। मिड रिब, मिड रिब देखिए हमारी लीव्स थी, लीव्स के बीच में जो हमारी जो मेन वेन थी, द मेन वेन इन द लीव्स, इट इज कॉल्ड द मिड रिब। ओव्यूल, व्हाट आर द ओव्यूल्स, मैंने आपको अभी हाल बताया। ओव्यूल्स बेसिकली दे आर द गैमेट्स, दे आर द फीमेल गैमेट्स, क्या कहलाते हैं इनको, गैमेट्स कहते हैं। आगे वाली क्लास में पढ़ो वे इसे, फीमेल गैमेट्स, ये क्या हमारे फीमेल गैमेट्स, इट इज प्रेजेंट इन ओवरी। पैरेलल वेनेशन, पैरेलल वेनेशन क्या होता है, देखो हमने देखा था कि लीव्स के अंदर क्या हो गए, जो वेन है इसके बीच में क्या हो गया, इस प्रकार से पैरेलल होगी है ना, वो क्या हमारी क्या कहलाएगी, पैरेलल वेनेशंस है ना। सो द अरेंजमेंट ऑफ वेन्स इन अ पैरेलल फॉर्म, इट इज कॉल्ड पैरेलल वेनेशंस। पेटल, मैंने बोला था पेटल और सेपल, तो हमारे जो फ्लावर्स के जो कलर्ड है ना ब्राइटली पार्ट है वो क्या कहलाएंगे हमारे, पेटल्स। इट इज द कलर्ड ब्राइटली पार्ट ऑफ द फ्लावर इज कॉल्ड पेटल्स। पेटियोल, व्हाट इज द पेटियोल, वही हमें देखा था जो हमारा स्टेम था, स्टेम से जो कनेक्टेड था हमारी जो लीव्स है ना, ये हमारी लीव्स थी, ये वाला पार्ट हमारा क्या कहलाता है, पेटियोल। फोटोसिंथेसिस, व्हाट इज द फोटोसिंथेसिस, इट इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड विद द हेल्प ऑफ फूड, अभी सॉरी विद द हेल्प ऑफ वाटर सनलाइट एंड कार्बन डाइऑक्साइड। पिस्टिल, व्हाट इज द पिस्टिल, इट इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, व्हाट इज इट, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। रेटिकुलेट वेनेशन, रेटिकुलेट मीन्स दे आर नॉट इन सिक्वेंस, इट इज कॉल्ड द रेटिकुलेट वेनेशन। सेपल, देखा था ना फ्लावर, इट इज अ ग्रीन पार्ट, ये फ्लावर था हमारा, उसके इसमें जो नीचे ग्रीन पार्ट था हमारा ना, सपोर्टिंग इन द इनर मोस्ट लोअर मोस्ट पार्ट। शर्ब्स, व्हाट आर द शर्ब्स, दे आर द हार्ड बट कैसे था इसका स्टेम, कैसा था, हार्ड तो था परंतु कैसा था, थिक था कि थीन था, थीन था, हार्ड थीन स्टेम एंड अराइजिंग फ्रॉम द बेस, ऑल ब्रांचेस आर अराइजिंग फ्रॉम द बेस, इट इज कॉल्ड द शर्ब्स। स्टेमेन, व्हाट इज स्टेमेन, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, मैंने बताया था मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द, इट इज कॉल्ड स्टेमेन। टैप रूट, इट इज द मेन रूट विच इज हैविंग द मेन रूट, इट इज कॉल्ड द टैप रूट। ट्रांसपरेशन, इट इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग एक्सेस वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम द प्लांट, इट इज कॉल्ड ट्रांसपरेशन। ट्रीज, व्हाट इज द ट्रीज, दोज आर हैविंग हार्ड एंड थिक, हार्ड एंड थिक स्टेम, इट इज कॉल्ड ट्रीज। वेन्स, सो दीज आर द अरेंजमेंट ऑन द लीव्स, दीज आर कॉल्ड द वेन्स। हम समरी देख लेते हैं। प्लांट्स आर यूजली ग्रुप इन टू हर्ब, शर्ब्स एंड ट्रीज बेस्ड ऑन देयर हाइट, नेचर ऑफ स्टेम एंड ब्रांचेस। तो ध्यान रखिए तीन बेसिक, इसके अंदर हाइट जैसे हमने देखा था जो हमारे हर्ब्स उसकी हाइट सबसे कम है, फिर नेक्स्ट हमारे पास शर्ब्स है, और फिर हमारे पास ट्री है। नेचर ऑफ स्टेम की बात करें तो उसका स्टेम कैसा है, बिल्कुल वीक है, स्टेम का हार्ड है परंतु थिक थीन है, और जो ट्रीज की बात करें तो उसका कैसा है, हार्ड है और थिक है। ब्रांचेस की बात करें तो इसके अंदर सभी जगह से ब्रांचेस उगती है, हर्ब्स के अंदर, शर्ब्स के अंदर बेस से उगती है, और ब्रांचेस के हमारे ट्री के अंदर कहाँ से उगती है, ऊपर अबो पार्ट से। द स्टेम बियर्स लीव्स फ्लावर्स एंड फ्रूट्स, जो हमारा स्टेम है तो उसमें क्या मिलते हैं हमको, लीव्स फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। लीफ यूजली हैज अ पेटियोल एंड लैमिना, जो हमारी लीफ होती है उसके अंदर हमको क्या मिलता है, बेसिकली पेटियोल और लैमिना। द पैटर्न ऑफ वेन्स ऑन द लीफ इज कॉल्ड वेनेशन, हम देखा था वेनेशन, द पैटर्न ऑफ वेन्स है ना, द पैटर्न ऑफ वेन्स ऑन द लीफ इज कॉल्ड वेनेशन। इट कैन रेटिकुलेट और द पैरेलल, दो प्रकार होता है, तो रेटिकुल मीन्स अल्टरनेट और पैरेलल मतलब जो एक दूसरे पैरेलल होता है। लीव्स गिव आउट वाटर वेपर थ्रू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन, जो प्लांट या लीव्स क्या करती है, वाटर देती है, कहलाती है हमारी ट्रांसपायरेशन। ग्रीन लीव्स मेक देयर फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रोसेस ऑफ सनलाइट। रूट्स एब्जॉर्व वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल, दे ऑल्सो एंकर द प्लांट फर्मली इन द सॉइल, जो हमारी रूट्स थे वो क्या करती है, मिनरल्स और सॉइल को क्या करती है, एब्जॉर्व करने का काम करती है, और क्या एंकर होल्ड करने का काम भी करती है। रूट्स आर मेनली ऑफ टू टाइप, दो प्रकार की रूट होती है हमारी, टैप रूट और फाइब्रस रूट। टैप रूट इसके पास मेन रूट होती है, और फाइब्रस रूट इसके पास मेन रूट नहीं होती है। प्लांट्स हैविंग लीव्स विथ अ रेटिकुलर वेनेशन हैव टैप रूट्स, अब ध्यान रखिए जिसके पास हमारे पास क्या होगा, रेटिकुलेट वेनेशन होगा, वो हमारे पास कौन सी होगी, टेप रूट, क्या होगी हमारे पास, टेप रूट। ध्यान रखिए जो रेटिकुलेट वेनेशन होगा हमारे पास होगा टेप रूट। और प्लांट विथ हैविंग द लीव्स विथ अ पैरेलल वेनेशन हैव अ फाइब्रस, जिसमें पैरेलल होगा हमारे कौन सी होगी, फाइब्रस रूट। द स्टेम कंडक्ट्स वाटर फ्रॉम रूट्स टू द लीव्स एंड अदर पार्ट्स एंड द फूड फ्रॉम द लीव्स ऑफ द पार्ट,
पार्ट्स ऑफ द प्लांट, जो स्टेम क्या करता है पूरे प्लांट्स को फूड मिनरल प्रोवाइड करता है, और लीव से क्या होता है पूरा फूड सब जगह जाता है। द पार्ट्स ऑफ फ्लावर आर सेपल्स, पेटल्स, स्टेम एंड पिस्टिल। ये हम देखें किसके पार्ट है, हमारे फ्लावर्स के प्लांट हैं पार्ट हैं। अब यहाँ पर हमारे पास एक्सरसाइज है, पहला क्वेश्चन पूछा है स्टेम एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल, किसकी मदद से करता है, रूट्स की मदद से करता है, किसकी मदद से करता है वो, रूट की मदद से। रूट्स कंडक्ट वाटर टू द लीव्स, किसकी मदद से, स्टेम। द नंबर ऑफ पेटल्स एंड स्टेमेन इन फ्लावर इज ऑलवेज इक्वल, नहीं अनइक्वल, है ना अनइक्वल। ये सेंटेंस हम करेक्ट करें ना, ध्यान रखते हैं ना। इफ द सेपल्स ऑफ अ फ्लावर आर ज्वाइंट टूगेदर इट्स पेटल आर ऑल्सो ज्वाइंट टूगेदर, नहीं नॉट डेफिनेट, ठीक है। इफ द पेटल्स ऑफ अ फ्लावर आर ज्वाइंट टूगेदर देन द पिस्टिल इज ज्वाइंट टू द पेटल्स, नहीं ये भी नॉट ज्वाइंट है ना। इसके अंदर भी देख रहा है आपको थोड़े से सिंपल सिंपल क्वेश्चन, आप इनको एक बार देख लीजिए आपको सब समझ में आ जाएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो थोड़ा सा अच्छा लगा होगा, आप इस वीडियो को देखते रहिए, सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू सो मच, आपका दिन शुभ रहे।